छत की गर्म तपिश या लीकेज भूल जाएं, शाहिद ब्रदर्स को याद रखें। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फिज़, मैं हूं आरिफ शेख। व्यूअर्स, आइए हम आपको बताते हैं ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जो आपकी छत की गर्म तपिश और लीकेज को फौरी हल कर देगी। शाहिद ब्रदर्स पाकिस्तान की वो पहली कंपनी है जिसने ये हैरत अंगेज प्रोडक्ट रूफ कूल और रूफ सीलर इंट्रोड्यूस की है। रूफ कूल, जिसके नाम से ही जाहिर है कि ये छत की ठंडक के लिए कोई प्रोडक्ट है। रूफ सीलर, इसके नाम से ही जाहिर है कि वाटर प्रूफिंग के लिए है। याद रखिए कि इस केमिकल को मार्केट में लाने से पहले शाहिद ब्रदर्स ने मुल्क की मायानाज लेबोरेटरी PCSIR केमिकल की पायदारी और वॉशबिलिटी चेक करवा कर सनद हासिल की है। व्यूअर्स, आए अब हम आपको पहले रूफ कूल के बारे में बताते हैं। गर्मियों के मौसम में जैसी गर्मी बाहर होती है, गर्मी घर के अंदर कमरों में भी महसूस की जाती है। गर्मियों के मौसम में टॉप फ्लोर के मकान, ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद वगैरह की छतों पर सनराइज यानी डायरेक्ट सूरज की तपिश पड़ती है, वो छतें बहुत गर्म हो जाती है। आज की छत में सीमेंट कंक्रीट के साथ स्टील भी होता है, सीमेंट कंक्रीट से ज्यादा गर्म हो जाता है और घर के अंदर छतों में लगे सीलिंग फैन के जरिए छत की गर्मी अंदर कमरों में ट्रांसफर होती है। आरिफ, आपने ये महसूस किया? छतों और दीवारों का बेहद गर्म होना और कमरों में हब्स और तपिश का होना, ऐसा लगता है कि आप किसी तंदूर के पास बैठे हैं। ये गर्मी हब्स बड़ों से ज्यादा बच्चों के लिए नुकसानदेह। और हाँ, अगर आपके कमरों में एसी लगे हैं तो छतों और दीवारों के गर्म होने की वजह से एसी की कूलिंग बिल्कुल आधी रह जाती है और एसी के कंप्रेसर पर लोड ज्यादा होने की वजह से बिजली का बिल भी ज्यादा हो जाता है। व्यूअर्स, इस मसले को हल करने की कोशिश मुख्तलिफ तरीकों से की जा रही है। मसलन कुछ लोग गमले उल्टे करके छतों पर रख देते थे, तो कुछ लोग छतों पर फॉर्म या कारपेट चटाइयां बिछा देते थे, तो कुछ तो छतों पर पानी का छिड़काव भी करते थे। इन तमाम चीजों से इंसान मुख्तसर मुद्दत के लिए सुकून को महसूस करता था, मगर इससे बिल्डिंग के लिए नुकसानदेह असरात भी रूनुमा होते हैं। व्यूअर्स, आप खुद देखिए, अगर किसी खूबसूरत मकान की छत पर गमले उल्टे करके रख दिए जाएं, ब्लॉक रख दिए जाएं, तो एक तो छत पर एक्स्ट्रा लोड यानी वजन आ जाता है और छत भी काबिल इस्तेमाल नहीं रहती और बदनुमा लगती है, और इससे बारिश के पानी की निकासी में रुकावट के साथ साथ रूफ लीकेज की प्रॉब्लम भी हो जाती है। रूफ कूल ने इस मसले को बड़े ही आसान तरीके से हल कर दिया। ये ना तो छत पर एक्स्ट्रा वजन हो, ना ही छत पर बदनुमा लगे। सिर्फ शाहिद ब्रदर्स की इम्पोर्टेड जर्मन प्रोडक्ट ही इस मसले का मुस्तकिल हल है, जिससे आपकी छत खूबसूरत हो जाती है और बच्चे खेल कूद भी सकते हैं, रूफ काबिल इस्तेमाल भी रहती है। इस रूफ कूल केमिकल में वॉशेबिलिटी होने की वजह से बारिश से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आप इसको खुद भी बड़े ही आराम से पानी से धो सकते हैं और आपकी छत आपके इस्तेमाल में भी रहती है, चाहे छत पर कोई पार्टी हो या कोई शादी की तकरीब। आपकी छत आपके इस्तेमाल के साथ साथ खूबसूरत भी लगती है। आइए हम आपको बताते हैं कि रूफ कूल क्या है। ये केमिकल इंपोर्टेड जर्मन है और लिक्विड वाइट है, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई पेंट की शक्ल हो। ये छत की ऊपरी सतह पर यानी फिनिश फ्लोर पर जहां धूप पड़ती है, पेंट ब्रश से सफाई करने के बाद तीन कोट किए जाते हैं। अब आपकी छत पर रिफ्लेक्शन का अमल शुरू हो चुका है, सूरज की शाएं फौरन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अब आपकी छत गर्म बिल्कुल नहीं होगी। व्यूअर्स, माहरीन की वसी रिसर्च के बाद ये बात मालूम हुई है कि घर के अंदर 75% गर्मी हब्स और उसकी छत पर पड़ने वाली सन रेज की वजह से होती है। छत ऐसी जगह है जहां सुबह से शाम तक धूप रहती है और 25% गर्मी साइड वॉल और खिड़कियों से आती है, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद धूप की डायरेक्शन चेंज होती है। रूफ कूल की वजह से 5 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, पंखों से गर्म हवा आना बंद हो जाती है और एक नॉर्मल टेम्परेचर की हवा आना शुरू हो जाती है। अगर आपके ओवरहेड टैंक का पानी गर्म हो जाता है तो टंकी की छत और साइड वॉल्स पर रूफ कूल की कोटिंग लगाएं और हैरत अंगेज रिजल्ट हासिल करें, क्योंकि इसमें शामिल है दुनिया के महंगे तरीन केमिकल्स जिसमें पॉलीमर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पॉलीमर्स और आयोनिक सेंसर शामिल है। व्यूअर्स, इस वक्त हम क्लिप्टन के एक बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट की छत पे खड़े हुए हैं जहाँ पे कुछ से पहले रूफ कूल की कोटिंग की गई है और हमारे लिए बहुत ही खुशी सी की बात है। इस वक्त मायला खान, जो कि इस अपार्टमेंट की मालिक हैं, इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछ जाएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो उन्होंने रूफ कूल की कोटिंग कराई और उन्हें क्या फायदा पहुंचा। तो प्लीज मायला खान, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपको क्या फायदा पहुंचा। मेरे घर की गर्मी और तपिश में बहुत कमी आई है और बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। व्यूअर्स, रूफ कूल की बदौलत आपको ठंडक के साथ साथ एसी के बिल की 40% बचत और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की हिफाजत के साथ साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस भी हो जाती है। शाहिद ब्रदर्स पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिसने रूफ कूल मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया। रूफ कूल केमिकल जर्मन ओरिजिनल केमिकल है,
अगर आपको रूफ केमिकल से मतलूबा नताज हासिल नहीं होते तो हम आपको दे रहे हैं मनी बैक गारंटी। और यही नहीं, पूरे पाकिस्तान से आप हमें ऑर्डर कीजिए और आपको देंगे फ्री डिलीवरी। पाकिस्तान फर्स्ट कंपनी, शाहिद ब्रदर्स,